स्कंद छठा अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मवाच वाचाम वन्नेर मुखम क्षेत्रम छंदसाम सत्त धातव हव्य कव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। उन विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि की उत्पत्ति हुई। वैदिक सातों छंदों की उत्पत्ति उनकी सातों धातुओं से हुई। देवता पितृगण और देवताओं के अमृतमय अन्न रसनेन्द्रिय से और सभी प्रकार के रसों की उत्पत्ति विराट पुरुष की जिह्वा से हुई। छठे अध्याय में अध्यात्म इत्यादि भेद से विराट की विभूति बतलाई गई है और पूर्वोक्त
सारी बातों का समर्थन पुरुष सूक्त के द्वारा किया गया है। इदानीं इत्यादि इस समय वैराज की विभूति का वर्णन विस्तार के साथ सब किया जा रहा है। वाणी तथा वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि का उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष का मुख है। गायत्री आदि सात छंद सातटा छंद अच्छा गायत्री त्रिष्टुप उष्णिक जगति बृहति पंक्ति और अनुष्टुप ये इन छंदों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के त्वक आदि चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा और अस्थिया हैं। देवता के अन्न को हव्य कहते हैं, पितरों के अन्न को कव्य कहते हैं तथा उन दोनों से अवशिष्ट मनुष्य के अन्न ये सब अमृत स्वरूप हैं। उन सभी अन्नों सभी मधुर आदि अम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त रसों तथा हम लोग की रसनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठात्र देवता के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की जीवा है। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायनिं अश्विनोरौषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। हम लोगों के सभी प्राणों तथा वायु के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की नाक के छिद्र हैं। मोद तथा प्रमोद सामान्य तथा विशेष गंधों को भी विराट पुरुष के नाक के छिद्र ही श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान है। हम लोगों के प्राण अपान समान व्यान तथा उदान इन सभी प्राणों तथा सामान्य एवं विशेष गंधों के श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की नाकों के छिद्र हैं। रूपाणां तेजसां चक्षुर दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। सभी रूपों तथा तेजों की उत्पत्ति का स्थान विराट पुरुष की चक्षु इंद्रिय है। स्वर्गलोक और सूर्य की उत्पत्ति का स्थान विराट पुरुष के दोनों नेत्र गोलोक है। दिशाओं तथा तीर्थों की उत्पत्ति का स्थान दोनों कान है और आकाश तथा शब्द की उत्पत्ति का स्थान विराट पुरुष की श्रोत्र इंद्रिय है। सभी रूपों तथा रूपों के प्रकाशक तेजों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की चक्षु इंद्रिय है। स्वर्गलोक और सूर्य के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के दोनों आंखें हैं। सर्वत्र प्रयुक्त षष्ट्यंत पदों का अर्थ प्रथमांत क्षेत्र करना चाहिए। कर्ण शब्द से श्रोतेन्द्रिय का अधिष्ठान स्थान बतलाया गया है। श्रोत्र शब्द से श्रोतेन्द्रिय कहा गया है। श्रोतेन्द्रिय के अधिष्ठान कान है। तदगात्रं वस्तुसाराणं शोभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्वर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैवै। विराट पुरुष का शरीर सभी वस्तुओं के सार तथा सौंदर्य का उत्पत्ति स्थान है। सभी जगतों स्पर्श तथा वायु का उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की त्वक इंद्रिय है। सभी वस्तुओं के जो सार भाग हैं तथा सौंदर्य का उत्पत्ति स्थान उस विराट पुरुष का संपूर्ण शरीर है और स्पर्श वायु तथा सभी जगतों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की त्वक इंद्रिय है। रोमान्युद्भी जाति नाम जैर बा जग्ञस्तु संवृत केश श्मश्रु नकान्यस्य शिला लोहा ब्रविद्युताम। सभी वृक्ष जातियों के उत्पत्ति स्थान उनके रोम है अथवा जिन वृक्षों से यज्ञ का कार्य किया जाता है उन वृक्षों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के रोम है। उनके केश मधों के श्मश्रु विद्युतों के तथा पैरों एवं हाथों के नख शिलाओं और लोहों के उत्पत्ति स्थान है। उद्भिद जाति के जितने भी वृक्ष हैं उन सबों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के रोए हैं। रोए माने उद्भिद माने वृक्ष के सबों के उत्पत्ति अथवा जिन वृक्षों से यज्ञ अच्छी तरह संपन्न किया जाता है उन्हीं वृक्षों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के रोम है। और केश मधों के उत्पत्ति स्थान है। उनके श्मश्रु विद्युत के उत्पत्ति स्थान है। पैरों तथा हाथों के नख ही
शिलाओं तथा लोहे के उत्पत्ति स्थान है, सादृश्य के कारण ऐसा अर्थ करना चाहिए। बाहवो लोकपालानां प्रायस क्षेम कर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च। विराट पुरुष की भुजाओं से प्राय लोकों की रक्षा करने वाले लोकपालों की उत्पत्ति हुई, उनके पाद विन्यास से भूलोक भूवरलोक एवं स्वर्लोक की उत्पत्ति हुई है और रक्षा की भी उत्पत्ति उनके चरणों से की हुई है। ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि संसार की रक्षा करने वाले लोकपालों की उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से हुई है, उनके चरण विन्यासों से भूलोक भूवरलोक और स्वर्गलोक स्वर्लोक की उत्पत्ति हुई है। भू आदि शब्दों के अव्यय होने के कारण भूर भुवस्व इन तीनों की षष्ठी विभक्ति का लुक हुआ है, लुक प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का। प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं और किसी की भय से रक्षा करने को शरण कहते हैं। श्री भगवान के चरण विन्यास ही क्षेम और शरण है। भगवान के पद जुगल गोटे होती क्षेम आ गोटे होती शरण। क्षेम माने ना क्षेम माने जिन योग क्षेम गहम्यम, योग माने अप्राप्त वस्त्र प्राप्ति, क्षेम माने प्राप्ति वस्त्र रक्षणाबेक्षण। आ भगवान पद जुगल गोटे होती क्षेम आ गोटे होती शरण। सर्व काम वरस्यापि हरे चरण आस्पदम अपां दीर्घस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसः शीष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृते। सभी कामनाओं की पूर्ति के स्थान विराट पुरुष के चरण ही है। विराट पुरुष का लिंग जल वीर्य सृष्टि मेघ तथा प्रजापति की उत्पत्ति स्थान है। विराट पुरुष का जननेन्द्रिय मैथुन जन्य आनंद का उत्पत्ति स्थान है। सभी कामनाओं की पूर्ति का भी स्थान विराट पुरुष के चरण है। जल वीर्य सृष्टि मेघ और प्रजापति का उत्पत्ति स्थान लिंग है। शीष्ण शब्द से लिंग को कहा गया है, उपस्थ इंद्रिया है। संतानोत्पत्ति के लिए किए जाने वाले संभोग और तज्जन्य आनंद की उत्पत्ति का स्थान विराट पुरुष की उपस्थ इंद्रिय है। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरुतेर मृत्युर निरयस्य गुदः स्मृतः। हे नारद, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय ही यम मित्र तथा मलत्या का उत्पत्ति स्थान है और हिंसा निरुति मृत्यु एवं नरक का उद्गम स्थान विराट पुरुष का गुद द्वार है। ये जो चार दिन से कह हिंसा निरुति मृत्यु और नरक ये भगवान उनकर मल स्थान मल द्वार है। पराभूतेर रधर्मस्य तमसस्यापि पश्चिमहम् नाद्यो नद नदीनां तु गोत्राणामस्ति संगतिः। विराट पुरुष की पीठ पराजय अधर्म और अज्ञान का उद्गम स्थान है। नदियों और नक्षत्रों का उद्गम स्थान विराट पुरुष की नाड़ियां हैं तथा पर्वतों का उद्गम स्थान विराट पुरुष के अस्थि समूह है। विराट पुरुष की पीठ अज्ञान उत्पत्ति का स्थान है। श्री विराट पुरुष जो सर्वव्यापक रही पृथ्वी पीठीटा एठू अज्ञान उत्पत्ति होती गोत्र शब्द वाच्य पर्वत की उत्पत्ति विराट पुरुष के अस्थि समूह से हुई है। भगवान हाड़ ये पर्वत हाँ तो अव्यक्त रस सिंधु नाम भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं। प्रकृति अन्नों के सारभूत रस विशेष समुद्र तथा जीवों की मृत्यु का स्थान विराट पुरुष का उदर है और मन का उद्गम स्थान हृदय है। उचंत सुना बुझे
अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति अन्नों का सारभूत रस विशेष है। बोलो निताय गौर सीतानाथ की जय, जय जय श्री राधे मदन गोपाल की जय। अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति अन्नों का सारभूत रस विशेष, समुद्र तथा जीवों की मृत्यु का उद्गम स्थान विराट पुरुष का उदर है, यह ज्ञानियों ने कहा है। मन शब्द वाच्य हम लोगों के लिंग शरीर का उद्गम स्थान विराट पुरुष का हृदय है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। धर्म का, मेरा, तुम्हारा, सनकादियों का, शंकर जी का, विज्ञान का और सत्व का आश्रय विराट पुरुष का चित्त है। धर्म ब्रह्मा जी का, नारद जी का, सनकादिक महर्षियों का, शंकर जी का और सत्व अंतकरण का परम आश्रय विराट पुरुष के चित्त ही है। अहम् भवान् भवश्चैव तइमे मुनयो ग्रजाः सुरासुर नरा नागः खगा मृग सरीसृपाः गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धाः विद्याद्रास्तारणा द्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभोकसः ग्रहर्क्ष केतवस्तारा स्थलितः स्तनैत्नव सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवत्यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्ते मधितिष्ठति। मैं अर्थात ब्रह्मा जी, तुम नारद जी, शंकर जी, तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक महर्षिगण, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग, रंगने वाले जीव, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, पेत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, अनेक प्रकार के दूसरे जीवों जो आकाश, जल अथवा पृथ्वी पर रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, विद्युत और मेघ, यह संपूर्ण जगत विराट पुरुषमय है। यह संपूर्ण विश्व जो कभी हुआ या होगा अथवा है, ये सब सबके सब उस विराट पुरुष से घिरे हैं। यह संपूर्ण विश्व विराट पुरुष के एक वित्तस्ति बिना वित्ता मात्र में स्थित है। इस विश्व का परिणाम विराट पुरुष का एक वित्ता है। एक गोटी छोटी अंश, परमात्मा से उत्पन्न होने वाला यह जगत उनसे भिन्न नहीं है। यह उसी तरह से है जैसे सुवर्ण से निर्मित कुंडल सुवर्ण से भिन्न नहीं होता है। वे परमेश्वर जो है वे सबों के नियामक हैं, सबों के प्रकाशक हैं और नित्य मुक्त हैं। यह अर्थतः ही सिद्ध हो जाता है। इस अर्थ का प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त का वर्णन करके किया है। पुरुष सूक्त के सहस्र शीर्षा इत्यादि आधे मंत्र का तथा ब्राह्मणस्य मुखम आसीत इत्यादि तीन मंत्रों का अर्थ इससे पहले के अध्याय में बतलाया जा चुका है। अहम भवान इत्यादि 3.5 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने पुरुष एवेदम सर्वम इस मंत्र का अर्थ बतलाया है। वितस्तिम इस पद के द्वारा श्रुति के दशांग विलंब पद का अधि इस अव्यय के द्वारा अति पद का अर्थ बतलाया गया है। परमेश्वर विराट पुरुष के वित्ता मात्र प्रपंच को अधिक व्याप्त करके रहता है। यह कहने का इतना ही मात्र अभिप्राय है कि यह प्रपंच की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यहाँ परिणाम विवक्षित नहीं है क्योंकि परिणाम प्रतिपादन का कोई उपयोग नहीं है और विराट पुरुष परिच्छिन्न है ही नहीं। विराट पुरुष परिच्छिन्न नहीं माने सीमित नुवंती अपरिचिन्न व्यापक न खंड खंड नुवंती विराट। तो हाँ बाबा जो कोई ना
एकांशेन स्थितो जगत अथवा बहुमैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विस्तब्धाविदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत सेटा ही कौन स्वधिष्ण्यं प्रतपं प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यंतर्बहिः पुमान्। जैसे प्रकाशित होने वाले सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी प्रकाशित होते हैं, उसी तरह परमात्मा भी अपने शरीरभूत विराट को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी प्रकाशित होते हैं। उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन दृष्टांतोपन्यास पूर्वक करते हैं। जैसे दूर देश में विद्यमान प्राण शब्द वाच्य आदित्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी प्रकाशित होते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी अपने विराट देह को प्रकाशित करते हुए ब्रह्मांड के भीतरी भाग को और बाहर भी प्रकाशित करते हैं। प्राण शब्द आदित्य का वाचक है, इसमें अशोभा आदित्य प्राण यह श्रुति भी प्रमाण है। सोमत्तस्याभयशेषो मर्त्यमरणं ददत्त घातम् महीमहि सततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यः। हे नारद जी, जो कुछ भी मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है ईश्वर उससे परे हैं। हमें जितने सब क्रिया और संकल्प करुचे ताठु बहुत ऊर्धर भगवान अच्छा ईश्वर अच्छा वह अमृत अभय प्रद मोक्ष का स्वामी है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। यह विराट पुरुष नित्य मुक्त है, इस बात को बतलाने के लिए ब्रह्मा जी सोमृतस्य इत्यादि श्लोक के द्वारा होता मृतत्व से बाबा पूरा सब जाग मंत्र जाग पुरुष सूक्त सहित तुलना करी कराई हुतामृतत्व शेषान। हाँ, श्रुति का अर्थ बतलाते हैं। श्लोक के अवयस्य पद के द्वारा मंत्र के अमृत पद की व्याख्या की गई है। मंत्र के अनेन पद की व्याख्या अन्नम पद से विभक्ति को परिवर्तित करके कहा गया है। मर्त्यम पद के द्वारा मरणशील अन्न कर्म फल को कहा गया है, क्योंकि वह विराट पुरुष कर्म फल का अतिक्रमण किए हुए हैं, अतएव वह केवल सर्वात्मक ही नहीं अपितु वह अमृतत्व अर्थात अपने आनंद का भी स्वामी है। यह प्रपंचात्मक विराट कैसे नित्य मुक्त हो सकता है, तो इस प्रकार की शंका का परिहार करने के लिए एतावानस्य इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मा जी ने महिमैष इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया है। अर्थात प्रपंचात्मक भी परमेश्वर की महिमा अपार है, क्योंकि वह प्रपंच से अभिभूत नहीं है। प्रपंच द्वारा संसार प्रपंच द्वारा से अभिभूत होती नहीं। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्तिति पदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोद्धायि मूर्धसु। संपूर्ण लोक परमेश्वर के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं, उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणियों का निवास है। भूलोक भुवनलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक विद्यमान है, उसके ऊपर जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक विद्यमान है। उन लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम और अभय का निवास रहता है। एतावानस्य इत्यादि मंत्र के द्वारा यह कहा गया है कि इतना उस पुरुष की महिमा अर्थात विभूति है और वह पुरुष उससे भी महान है। इस बात को बतलाने वाले मंत्र के द्वारा यही बतलाया गया है। इस तरह सिद्ध हो गया कि ईश्वर नित्य ही मुक्त है। उसके अधीन रहने वाले भूतों की बंध और मोक्ष की व्यवस्था को बतलाते हुए ब्रह्मा जी पादो से विश्वाभूतानि इस मंत्र का अर्थ पादेशु इस वाक्य से कहे हैं। उस ईश्वर में भूलोक आदि लोक हैं, वे चरणों के समान हैं। पाद शब्द यहाँ अंश का बोधक है। वे लोग जिसके चरण हैं
वह स्थिति पाद है, उसके अनसभूत लोकों में सभी जीवों को ज्ञानी पुरुष जानते हैं। मंत्र में जो सामानाधिकरण्य अधिष्ठान और अधिष्ठेय के अभेद की विवक्षा से किया गया है। पादोस्य में पाद शब्द का एक वचन अंत प्रयोग जाति के विवक्षा से किया गया है। इस तरह से इस बात की व्याख्या की गई है। प्रत्येक भूत को अलग अलग फल की प्राप्ति को बतलाते हुए त्रिपादस्यामृतम दिवी श्रुति का अर्थ बतलाया गया है। उसका अर्थ है कि ईश्वर संबंधी अमृत त्रिपाद है, अर्थ वहाँ सदा सुख ही बना रहता है। वह ऊपर के लोकों में विद्यमान है, वह अमृत त्रिपाद त्रिलोकी के भीतर नहीं है। उस त्रिपाद शब्द से उक्त की त्रिविधता बतलाते हुए त्रिमूर्ध्न कहा गया है। इसका विग्रह है त्रयाणंग लोकानंग मूर्धा, वह महल्लोक है। उस महल्लोक के ऊपर विद्यमान जो लोक है उन लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम तथा अभय विद्यमान है। त्रिलोकी में रहने वाला सुख तो नश्वर है। यद्यपि महल्लोक क्रम मुक्ति का स्थान है किंतु कल्प का अंत होने पर वहाँ के भी जीव महल्लोक का त्याग कर देते हैं, अतएव वहाँ का भी सुख अविनाशी नहीं है। जी जनलोक में तो अमृत अर्थात अविनाशी सुख रहता है। जनलोक तो जो चतुस्वर्ग रूप से देवते सीठी, तो क्योंकि वहां के जीव जीवन भर उस लोक का परित्याग नहीं करते हैं, जनलोक रे ही रहते ले। ये जो वेद वेद स्तुति रे जनलोक में ही सेवा पता आस्त्री ना हो, किंतु महल्लोक में रहने वाले जीव कल्पांत में त्रिलोक दाह की गर्मी से पीड़ित होकर जनलोक में चले जाते हैं, अतएव वहाँ उनको सुख नहीं मिलता है। तपलोक में दुख का अभाव है, अतएव वहाँ खेम का निवास है। आगे चलकर कहा भी जाएगा त्रिलोक्यांग इत्यादि अर्थात कल्प के अंत में संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि से जब त्रिलोक जलने लग जाता है तो उसकी गर्मी से संतप्त महल्लोक बासी जीव महर्षि भृगु इत्यादि जनलोक में चले जाते हैं। सत्यलोक में तो अभय पद वाच्य मोक्ष का निवास है, क्योंकि सत्यलोक का वैकुंठ लोक से सन्निधान है। सत्यलोक बोले ब्रह्मा जुड़ रोचन था ब्रह्म लोक जुड़े अति निकट वैकुंठ अति निकट बोली कह पदास्त्रयो बहिश्वास प्रजाना य आश्रमा अंतस्त्रिलोक्यास्पपरा गृहमेदो बृहत्व्रत। जिन लोकों में पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं होते हैं वे ब्रह्मचारी बानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीनों आश्रम त्रिलोकी के भीतर नहीं रहते, वे उसके बाहर के लोकों में रहते हैं जिसमें महान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे गृहस्थ त्रिलोकी के भीतर ही रहते हैं। इसी विचित्रता को अधिकारी के भेद से प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मा जी त्रिपाद ऊर्ध्वमेतद इत्यादि मंत्र का अर्थ बतलाते हैं। जिन आश्रमों में जीवों की पुत्रादि रूप से उत्पत्ति नहीं होती है उन आश्रमों को अप्रजा कहते हैं। ऐसे आश्रम नैष्ठिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का आश्रम है। वे त्रिलोकी के बाहर हैं और गृहमेदी अर्थात गृहस्थ तो त्रिलोकी के भीतर ही रहते हैं, क्योंकि गार्हस्थ ब्रह्मचर्य व्रत रहित होता है। माने जो जो माने वर्तमान नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत को लेकर जीवन यापन करते तीन लोक भीतर नहीं बाहर से मान स्थान। श्रुति विचक्रमे विष्टं शासनानसने उभेम यद विद्याच विद्याच पुरुषस्तु वयस्त्रया। शास्त्र में दो प्रकार का मार्ग वर्णित है, भोगप्रद तथा मोक्षप्रद। इन दोनों में से एक अविद्या रूप है जो सकाम पुरुष के लिए है और दूसरा
उपासना रूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। इन दोनों को क्रमशः धूमादि मार्ग या दक्षिण मार्ग तथा अर्चिरादि मार्ग या उत्तर मार्ग कहा जाता है। मनुष्य इन दोनों में किसी एक में ही जाता है, किंतु परमात्मा तो उभयाश्रय दोनों के आधार है। यह अधिकार भेद एक के ही अवस्था भेद के कारण है, यह अत्यंत भिन्न विषयक नहीं है। इस बात को बतलाते हुए ब्रह्मा जी ने ततो विश्वं व्यक्रामत, क्षेत्रज्ञ पुरुष इन दोनों मार्गों पर चलता है। यह विश्वं शब्द का विविधं अंचतीति इस विग्रह के अनुसार अर्थ है। विवचनांत श्रुति पद दक्षिण एवं उत्तर इन दोनों मार्गों का बोधक है। शासनानसने पद के द्वारा दोनों मार्गों को क्रमशः भोग तथा मोक्ष प्रद बतलाया गया है। गुटे मार्ग को भोग प्रद मार्ग और मोक्ष प्रद मार्ग, दक्षिणायन जोटा की भोग प्रद मार्ग और उत्तरायन जोटा की मोक्ष प्रद मार्ग, इसको विद्या भी कहते हैं। जस्मा दंडं विराट जज्ञी भूतेन्द्रिय गुणात्मक तद द्रव्य मत्यगात विश्वम गोभी सूर्य इवा तपन। जिस तरह सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हुए भी सबों से अलग है, उसी तरह से जिस परमात्मा से पंचभूत इंद्रिय और गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, इन समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर रहते हुए भी उससे पूर्ण रूप से पृथक है। यार भीतर अच्छा बाहर अच्छा किंतु या जो ऊपर है संपूर्ण परमेश्वर सबों से अपने विराट देह और ब्रह्मांड से भिन्न है। यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमा महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषाभयवाद्रुते। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय मुझको इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त कोई भी दूसरी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। अब प्रश्न होता है कि यदि पुरुष ही संपूर्ण जगत है, तो यज्ञ तथा उसके साधनों की अभिन्नता के कारण यज्ञों के द्वारा पुरुष की आराधना सिद्ध नहीं हो सकती है। इस तरह की आशंका करके उसका परिहार करने के लिए यत् पुरुषेण हविषा, इसी मंत्र के अर्थ को यदास्य इत्यादि श्लोक के द्वारा संक्षेप में ब्रह्मा जी ने बतलाया। श्लोक के अस्य पद के द्वारा विराट के अंतर्यामी परमेश्वर का परामर्श किया गया है, क्योंकि यहाँ उसी का वर्णन प्रसंग प्राप्त है। नाभि से उत्पन्न होने के कारण कमल को नाभ्या कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस पुरुष के अवयवों से भिन्न किसी भी वस्तु को मैंने नहीं देखा। तेषु यज्ञस्य पशवः वनस्पतयः कुशाः इदं च देव यजनं कालसोरु गुणान्वितः वस्तु न्योषधय स्नेहा रसलो मृदो जलम रुचो जजुंसि सामानी चातुर्होत्रम च सप्तमम नाम ध्येयानि मंत्रस्य दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्प संकल्प तंत्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया। मैंने पुरुष के अवयवों में ही यज्ञ के पशु स्तंभ मयूप वनस्पति कुश या यज्ञ भूमि, यज्ञ के योग्य काल, यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तु औषधियां, तिल चावल यब आदि अन्न घृत आदि स्नेह छहो रस लोहा मिट्टी जल रुख जजुस और शाम चातुर्होत्र यज्ञों के नाम मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम पद्धति ग्रंथ मैंने कल्प संकल्प तंत्र अनुष्ठान की रीति गति मति श्रद्धा प्रायश्चित तथा समर्पण इन समस्त यज्ञ सामग्रियों को प्राप्त किया। उस समय जिन यज्ञ की सामग्रियों को एकत्रित करना था
उस सबों को मैंने पुरुष के अवयवों से ही एकत्रित किया। इस तरह से इस श्लोक का चौथे श्लोक से अन्वय है। श्लोक में वनस्पति शब्द से यूप को कहा गया है। देव यजन शब्द यज्ञ भूमि का बोधक है। इदं शब्द के द्वारा यज्ञ के योग्य स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यह प्रतीत होता है यज्ञ के योग्य वसंत ऋतु आदि काल को काल शब्द से कहा गया है। वस्तु शब्द से पात्र इत्यादि को कहा गया है। धान आदि अन्न को औषधि शब्द से कहा गया है। घृत आदि को स्नेह कहा गया है। मधुर इत्यादि सठ रसों का रस शब्द से कहा गया है। सुवर्ण आदि को लोह शब्द से कहा गया है। मिट्टी जल तथा चतुर्होत्र अर्थात होत्रादि कर्म भी ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के अवयवों से ही प्राप्त किया। ज्योतिषतम इत्यादि यज्ञों के नाम रुक आदि वेदों के मंत्र सहाकार आदि यज्ञ देवताओं के उद्देश्य बोधायन आदि महर्षियों द्वारा प्रणीत बौद्धायन कर्म पद्धति इत्यादि ग्रंथों को कल्प शब्द से कहा गया है। इससे मैं यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप संकल्पों तथा अनुष्ठान के प्रकार इन सबों को ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के अवयवों से ही प्राप्त किया। गति शब्द से यज्ञ के अंत में विष्णु हो क्रमोशिमति इस मंत्र से यजमान के द्वारा की जाने वाली गति विशेष का कहा गया है। मति शब्द से देवताओं के ध्यान को और सभी कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करना इन सबों को ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के अवयवों से ही प्राप्त किया। इति संभूत संभार पुरुषावयवैरहम तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। इस प्रकार से पुरुषों के अवयवों से सामग्रियों को एकत्रित करके मैंने उस यज्ञ पुरुष परमात्मा का उसी सामग्री समूह से मैंने यजन किया। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषं सुसमाहिता। उसके पश्चात तुम्हारे जो नव प्रजापति भाई हैं, इन लोगों ने अपने चित्त को अच्छी तरह से समाहित करके विराट तथा अंतर्जामी रूप से स्थित परमात्मा का जजन किया। ततस्ते इत्यादि दो श्लोक द्वारा तीन देवा अयदंत इत्यादि का विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। व्यक्त का अर्थ है इंद्रादि रूप से व्यक्त तथा अव्यक्त अर्थात स्वयं इन दोनों रूपों में विद्यमान यज्ञ पुरुष ईश्वर का यजन किया। इस श्लोक के द्वारा पुरुषम जातवग्रत इस मंत्र के अर्थ को बतलाया गया है। ततश्च मनवः कालिम ईजीरे ऋषयो परिम पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर् विभुम। उसके पश्चात समय समय पर मनु दूसरे ऋषियों पितरों देवताओं दैत्यों तथा मनुष्यों ने यज्ञ के द्वारा परमात्मा की आराधना की। जिस मनु देवता ऋषि इत्यादि का जब समय आया तो उन लोगों ने भी परमात्मा की आराधना यज्ञ के द्वारा की। नारायणी भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरु गुणहं सर्गादाव गुणः स्वतः। जो परमात्मा स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक गुणों से रहित हैं किंतु सृष्टि के प्रारंभ में अनेक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं ऐसे भगवान नारायण में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। नारद जी ने यह जो कुछ पूछा था कि इस जगत का अधिष्ठान कौन है उसे के उत्तर का उपसंहार करते हुए ब्रह्मा जी नारायणो इत्यादि श्लोक कहते हैं। आहित शब्द का अर्थ है अधिष्ठित भगवान नारायण के भगवत्व का कारण स्वाभाविक रूप से प्राकृत गुण रहित बतलाया गया है। वे भगवान सृष्टि के प्रारंभ में माया के अनेक गुणों को धारण कर लेते हैं। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तत्वसह विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। उन परमेश्वर के ही द्वारा नियुक्त होकर मैं सृष्टि करने का काम करता हूँ और शंकर जी उनके ही अधीन रहकर जगत का संहार करते हैं।
और माया की सत्व रजस तमस इन तीनों शक्तियों को धारण करने वाले परमात्मा ही पुरुष रूप से जगत का पालन करते हैं। नारद जी ने पूछा था कि आप जिसके अधीन हैं, उसका जो उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया था उसी का उपसंहार इस श्लोक में किया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि वे भगवान ही सबों के तथा मेरे स्वामी हैं, उसी का उपसंहार उन्होंने मैं सृष्टि करने का काम करता हूँ यह कहकर किया है। जगत का पालन तो भगवान स्वयं ही करते हैं। इस बात को उन्होंने विश्वंग इत्यादि श्लोक के उत्तरार्थ से किया है। पुरुष रूपेण का अर्थ है विष्णु के रूप से। वे भगवान तीन शक्तियों से युक्त माया को धारण करते हैं। इति ते भीतं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यम् सदसदात्मकम्। हे तात, अपने जो कुछ भी पूछा था वह मैंने बतला दिया। श्री भगवान से भिन्न इस जड़ चेतनात्मक जगत में कुछ भी नहीं है। नारद जी ने यह जो पूछा था कि यह संपूर्ण जगत जैसा है और आपकी जो आत्मा है उसको आप मुझे बतलाएं, इस तरह से पूछे गए सभी प्रश्नों का सामान्य उत्तर यह है कि हे ब्रह्मन् भगवान, वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी बात का समर्थन पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जत भव्यम इस श्रुति से भी किया गया है। उसी का उपसंहार इति ते वीतं इत्यादि श्लोक से किया गया है। इस तरह सत असत असद आत्मक अर्थात कार्य कारण रूपों से जो सृज्य जगत है वही श्री भगवान से भिन्न नहीं है। न भारती में मृषोपलक्षति न वही क्वचिन में मनसो मृषा गति न मे ऋषि काणी पतंत्य सत पथे यन्मे हृदोत्कंठ बता धृतो हरि। हे नारद, मैं उत्कंठापूर्ण हृदय से प्रेम पूर्वक श्री भगवान को धारण करता हूँ, अतएव मेरी वाणी रूप कभी भी असत्य होती हुई नहीं दिखाई देती है। मेरा मन भी कभी असत संकल्प नहीं करता है और मेरी इंद्रियां भी कभी असत मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले यह जो कहा है कि मेरी इतने ही स्थिति है उसको तुम नहीं जानते हो, इसलिए मुझे ईश्वर कहते हो, उसी का उपपादन करके ब्रह्मा जी न भारती इत्यादि श्लोक के द्वारा उपसंहार करते हैं। चूंकि मैं भक्ति के उद्रेक हो जाने के कारण उत्कंठा पूर्वक हृदय में परमात्मा को धारण करता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी मन तथा इंद्रियों की वृत्ति सत्य वस्तु विषयनी होती है। मेरे प्रभाव से वे असत्य वस्तु विषयक नहीं होती हैं। सोहम समम्नायमयस्तपोमय प्रजापति नाम अभिपंडित पति आस्थाय जोगं निपुणं समाहित स्तंगना जगत समयत आत्म संभव। वही मैं वेद मूर्ति तथा तपो मूर्ति हूँ, सभी प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उन सबों का स्वामी हूँ। मैंने पूर्व काल में सर्वांग योग का अनुष्ठान किया किंतु जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है उन परमात्मा को मैं नहीं जान सका। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अपने अनुभव को ही दो श्लोक में के द्वारा प्रमाणित करते हैं। शेषर को जो मुंह किसी जानी पा ली इस श्लोक में ब्रह्मा जी अन्य व्यतिरेक के द्वारा अपने अनुभव को ही दो श्लोक के द्वारा प्रमाणित करते हैं। उपर्युक्त प्रकार का मैं सबों से उत्कृष्ट होकर तथा योग के धारण करके भी अपने मूल कारण परमात्मा को ही नहीं जान सका, तो दूसरे के विषय में क्या कहूँ। मुझे जात हो हृदय धारण कर आनंद प्रेम पूर्वक धारण कर आदि अंत किसी जान पार्लि।
हाँ, इस बात को तीसरे अध्याय में कमल की उत्पत्ति के प्रसंग में बतलाएंगे। हाँ, न तो स्म्यहं तत् चरणं समीयुषां भवचिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम् यो ह्यात्ममाया विभवं स्वपर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। मैं श्री भगवान के उन चरणों को नमस्कार करता हूँ जो चरण अपने शरण में आए हुए जीवों के संसार के बंधन को काट देते हैं, जो कल्याणमय तथा मंगलमय हैं, उन श्री भगवान की माया की शक्ति अपार हैं। वे अपनी महिमा के अंत को स्वयं उसी प्रकार नहीं जानते हैं जिस प्रकार आकाश अपने अंत को नहीं जानता है। ऐसे स्थिति में दूसरा कोई परमात्मा की महिमा का अंत कैसे जान पाएगा। उसके पश्चात शरणागत जीवों के भवबंधन को दूर करने वाले मंगलमय मंगलप्रद तथा सुसेव्य श्री भगवान के चरणों को ही मैं नमस्कार करता हूँ। मैं श्री भगवान के उन चरणों को नमस्कार करता हूँ जो चरण अपने शरण में आए हुए जीवों के संसार के बंधन काट देते हैं, जो कल्याणमय तथा मंगलमय है, उन श्री भगवान की माया की शक्ति अपार है। वे अपनी महिमा के अंत स्वयं उसी प्रकार नहीं जानते हैं कि जिस प्रकार आकाश अपने अंत को नहीं जानते हैं। एडा भगवान नहीं कहले, एडा भगवान नहीं, उन श्री भगवान की माया की शक्ति अपार है। वे अपनी महिमा का अंत को स्वयं उसी प्रकार नहीं जान सकते हैं जिस प्रकार आकाश अपने अंत को नहीं जानता है। ब्रह्मा जाने पर इनके कौन बड़ कथा भगवान को मुंह मोर अंत को जानी पाऊंगी। ऐसे स्थिति में दूसरा कोई परमात्मा की महिमा का अंत कैसे जान सकते हैं। उसके पश्चात शरणागत जीवों के भवबंधन को दूर करने वाले मंगल प्रद तथा सुसेव्य श्री भगवान के चरणों को ही मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से मैंने यह जान लिया कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। इस बात को मैंने अपने आप जान लिया है। जो परमात्मा स्वयं भी अपनी माया के विस्तार को नहीं जान सके, पर जगात में परिशब्द निषेधार्थक है, अर्थात यह नहीं जान सके परमात्मा की माया इतनी है, तो फिर दूसरे लोग उसको कैसे जान सकते हैं। इसीलिए मैं उनके चरणों में ही नतमस्तक हूँ। यदि कोई कहे कि परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वे कैसे नहीं जान सकते, तो उसको उत्तर है कि जैसे आकाश स्वयं अपने अंत को नहीं जानता है, उनकी महिमा का कोई अंत ही है ही नहीं, उसका अंत वे कैसे जानेंगे। आकाश पुष्प का अदर्शन परमात्मा की सर्वज्ञता को विनष्ट नहीं कर सकता है। भगवान के विषय में दसवें स्कंद की 27वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहेंगे कि द्युलोक के स्वामीगण ही आपके अंत को नहीं जान सके, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। आप भी नहीं जान सके कि आवरण से विशिष्ट कितने ब्रह्मांड हैं। श्रुति भी कहती है, यो अस्या जख्य परमे व्योमन शो अंग वेद जदिवा न वेद। अर्थात हे वत्स, जो इस माया के स्वामी परमाकाश त्रिपाद विभूति में रहने हैं, त्रिपाद विभूत में रहते हैं, वे भी इस माया का अंत को नहीं जान सकते हैं। यह कोई निश्चित नहीं है, यह कोई निश्चित नहीं है। ना हम न जूयंग जद्रुताम गतिं विदुर्न वाम देव किमुता परेशुरा तन मायया मोहित बुद्ध्यस्पिदं विनिर्मितं चात्म समं विचक्महे। मैं तुम लोग मेरे पुत्र तथा शंकर जी जिन परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, उनकी माया से निर्मित इस जगत के भी विषय में हम लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार केवल अंदाज लगाते हैं। माया के विस्तार के अज्ञेयत्व का ही विस्तार से वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ना हम इत्यादि श्लोक से कहते हैं। वामदेव शंकर जी का नाम है। मैं शंकर जी तथा तुम लोग
जिस परमात्मा के परमात्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपितु उन परमात्मा की माया के द्वारा निर्मित, माया द्वारा रचित इस जगत के भी नहीं जानते हैं। वो भी हम लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। परमात्मा का ज्ञान न होने और माया का ज्ञान होने के कारण हम लोगों की बुद्धि भी मोहित होना है। जस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय नयं विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। हम लोग जिस परमात्मा के अवतार की लीलाओं का ही गायन करते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। यदि कहे कि देखा जाता है कि सब लोग परमात्मा का वर्णन करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग तो उनके अवतार की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं। शेष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मात्मन्यात्मनात्मान संयच्छति च पाति च। वे ही आदि पुरुष अजन्मा और पुरुषोत्तम हैं, वे ही प्रत्येक कल्प में अपने आप की सृष्टि करते हैं और रक्षा करते हैं। एस इत्यादि श्लोक से संक्षेप में अवतारों के कर्मों का बतलाते हैं। वे ही भगवान आदि हैं, वे ही पुरुषावतार धारण करके सृष्टि आदि के कर्मों को करते हैं। वे ही आत्मा अर्थात कर्ता, आत्मनि माने अधिकरण, आत्मना साधन और आत्मानम कर्म, इस सृष्टि में स्वयं है। पुरुषावतार धारण करना और सृष्टि आदि कर्मों को इस तरह से अवतार के कर्मों को संकेत में कहा गया है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक व्यवस्थितम सत्यं पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणं नित्यमद्वयम्। माया के लेश से रहित होने के कारण विशुद्ध हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में सदा एक समान बने रहते हैं। वे त्रिकाल सत्य हैं, पूर्ण हैं तथा आदि अंत से रहित हैं। वे सत्व आदि तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। ब्रह्मा जी ने यह जो कहा है कि जिस परमात्मा को हम लोग तत्वतः नहीं जान पाते हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि तत्व क्या है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा वे केवल ज्ञान स्वरूप हैं और सत्य तत्व हैं। जिस तरह से तालाब का जल नालियों के माध्यम से खेत में जाकर खेत के जैसा चतुष्कोण आदि आकार वाला होता है, उसी के आकार का बन जाता है, उसी तरह से अंतकरण की वृत्ति चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से निकलकर घटादि विषयों से संयुक्त होकर घटादि का आकार बोला नहीं जाता है, उसी को घटाकार वृत्ति ज्ञान कहते हैं। उससे उसकी भिन्नता बतलाने के लिए इन ज्ञान के विशेषणों को बतलाया गया है। वह विशुद्ध है अर्थात विषयों के संबंध से रहित है, वह प्रत्येक अर्थात सबों के भीतर विद्यमान रहता है, इसीलिए वह सम्यक ज्ञान है अर्थात उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वह अवस्थित अर्थात स्थिर है क्योंकि वह निर्गुण है, गुणों के मिश्रण से ही ज्ञान में चंचलता आती है। यद्यपि वृत्ति ज्ञान अपि इत्यादि, यद्यपि वृत्ति ज्ञान भी स्वरूप ज्ञान ही है, उसमें चांचल्यादि दोष नहीं है, फिर भी अंतकरण की वृत्ति के दोष से ही वो अनेक प्रकार के हो जाते हैं। अतएव यह तत्व ज्ञान उससे भिन्न है, उन्हीं विशेषणों से उसका सत्यत्व भी समर्थित हो जाता है। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवा सतर्के स्थिरो धीयेत विप्लुतम्। हे ऋषि, जब मुनिगण अपने अंतकरण इंद्रिया और शरीर को शांत कर लेते हैं, उसी समय वे उसको जान पाते हैं। जिस समय दुस्तर्कों के द्वारा उस तत्व को आच्छन्न कर दिया जाता है, उस समय वो ज्ञान प्रतीत नहीं होता है। ब्रह्मा जी
अपने इस प्रतिपादन में विद्वानों के अनुभव को प्रमाण रूप से उपन्यस्त करते हैं। वे हे ऋषि नारद, जब मुनिजन प्रसन्न देह इंद्रिय और मन से युक्त होते हैं तो उन लोगों को वह ज्ञान प्रकाशित होता है। उससे ऋण काल में उसका ज्ञान नहीं होने के कारण बतलाते हुए वे कहते हैं, जब वह प्रकाशित होने वाला ज्ञान असत पुरुषों को कुतर्कों से उपद्रवग्रस्त हो जाता है तो ज्ञान तिरोहित हो जाता है। आद्यो अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन मनस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। परम पुरुष परमात्मा का प्रथम अवतार पुरुष अवतार है। काल स्वभाव सत असत मन अर्थात महतत्व द्रव्य द्रव्य माने महाभूत विकार माने अहंकार सत्व आदि गुण विराट समष्टि शरीर स्वराट वैराज स्थास्नु स्थावर वृक्ष आदि चरिष्णु जंगम ये सभी भी भगवान के अवतार ही है। भगवान के अवतारों का विस्तार से वर्णन आद्य इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत करते हैं। परम पुरुष परमात्मा का प्रथम अवतार पुरुष अवतार है। भगवान का पुरुषावतार वही प्रकृति का प्रवर्तक है। सह सी सा इत्यादि मंत्र से उस पुरुष का लीला विग्रह बतलाया गया है। वही परमात्मा का पहला अवतार है। आगे चलकर कहेंगे भी अपने से सृष्ट पंच महाभूतों के द्वारा विराट पुरुष की रचना करके उसमें भगवान नारायण अपने एक अंश से प्रवेश कर गए और पुरुष शब्द से अभिहित कहे किए गए। कहा भी गया है विष्णुस्तु इत्यादि भगवान विष्णु के तीन रूपों को मुनियों ने पुरुष रूप से जाना है। उनका पहला रूप महत्तत्व की सृष्टि करने वाला है, दूसरा ब्रह्मांड में स्थित रूप है, तीसरा रूप सभी प्राणियों के भीतर अंतर्जामी रूप से स्थित है। इन तीनों रूपों को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। एटा बाबा तीनटा रूप भगवान कर कहले। प्रथम रूप होती महत्तत्व, महत्तत्व को सृष्टि को सुनिए, और दूसरे रूप में ब्रह्मांड में स्थित रही बाटा, और तृतीय रे प्रत्येक जीवन के भीतर अंतर्जामी रूप से जाएगी रही बाटा। ये तीनटा रूप का यद्यपि सर्वेषाम विशेषण इत्यादि यद्यपि श्लोक में उक्त सबों को समान रूप से भगवान का अवतार कहा गया है, अवतार कहा गया फिर भी काल स्वभाव सद असत तथा कारण कार्य स्वरूप प्रकृति ये सभी शक्तियां हैं। मन आदि कार्य हैं, ब्रह्मा आदि उनके गुणावतार हैं तथा दक्ष इत्यादि उनकी विभूतियां हैं। उन सबों का इस प्रकार के विभाग करना चाहिए। मन जो है ना वो महत्वत्व को कहा गया है। महाभूतों का ये महाभूत जो पंच महाभूत द्रव्य यहाँ पर क्रम विवक्षित नहीं है। विकार शब्द से अहंकार को और गुण शब्द से सत्व आदि गुणों से कहा गया है। समष्टि शरीर को विराट कहा गया है और स्वराट शब्द वाच्य वैराज है। स्थावरों को स्थास्नु और जंगमों के चरिष्णु कहा गया है। ये सब व्यष्टि शरीर है। अहम भवो यज्ञ इमे प्रदेशा दक्षादयोजे भवदादयस्य स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रघुनागनाथा ये वारुषीणाम ऋषभा पितृणाम दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये चये प्रेत पिशाच भूत कुष्मंड यादो मृग पक्ष धीसा जत्किंच लोके भगवन् महस्व दो दस्वद बलव क्षमावत श्री ह्री विभूत्यात्म बदद्भुतानं तत्त्वं परम रूप बद स्वरूपम। मैं शंकर विष्णु दक्ष आदि प्रजापति तुम और तुम्हारे ये सब विभूति को संदी। मैं शंकर विष्णु दक्ष आदि प्रजापति तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त
स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के रक्षक गरुड़ आदि, मनुष्य लोक के राजा गंधर्व विद्याधर तथा चारणों के अधिनायक यक्ष राक्षस सर्प और नागों के स्वामी महर्षि पितृपति दैत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवराज तथा प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड जलजंतु मृग तथा पक्षियों के स्वामी एवं संसार में जितने भी वस्तुएं ऐश्वर्य संपन्न तेज संपन्न इंद्रिय बल मनोबल शरीर बल या क्षमा से युक्त है अथवा विशेष सौंदर्य लज्जा वैभव तथा विभूति से युक्त है एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली हैं, रूपवान या रूप रहित हैं, वे परम तत्वमय भगवान स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं शंकर विष्णु दक्ष इत्यादि जो प्रजापति हैं, वे पातालों के जो स्वामी हैं, गंधर्व आदि के स्वामीगण हैं, यक्षों आदि के स्वामीगण, रक्षोरोग में जो गुणों संधि हुई है वे वह आर्ष हैं, जो ऋषियों और पितरों के श्रेष्ठ हैं, जो प्रेतों आदि के स्वामी हैं, बहुत अधिक क्या कहें, जो कुछ भी ऐश्वर्य आदि से संपन्न वस्तुएं हैं, वे सब के सब परम तत्व स्वरूपी हैं। ऐश्वर्य युक्त तेज संपन्न ओज तथा स संपन्न इंद्रिय शक्ति तथा मन शक्ति से युक्त सभी वस्तुएं परम तत्व स्वरूप है। बल अर्थात दक्षता, श्री अर्थात शोभा, हिरी माने लज्जा, संपत्ति, आत्मा तथा बुद्धि से युक्त भी वस्तुएं परतत्व स्वरूप हैं। अर्ण वर्ण को कहते हैं अद्भुत अर्ण अर्थात अद्भुत वर्ण से युक्त रूप का अर्थ स्वरूप है तथा रूपवान अर्थात स्वरूप से रहित जो कुछ भी है वो सब परम ब्रह्म के विभूति है। प्राधान्य तो या नृष आमनंती लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्णकसाय शेषा आपीयताम कर्णकसाय सोसा ननुक्रमिषेत इमान सुपेशाम। उस परम पुरुष के दिन प्रधान प्रधान लीलावतारों का वर्णन शास्त्र में किया गया है, वे सब के सब श्रवण इंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं, अतएव उन सबों का आप श्रवण करें। मैं उन सबों को क्रमशः सुनाता हूँ। परमात्मा के शुद्ध सात्विक अवतारों का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी प्रधान्यतः इत्यादि श्लोकों को बतलाते हैं। असत कथाओं के सुनने से जो कानों में दोष आ जाता है उन सबों को विनष्ट करने का काम करते हैं। श्री भगवान के जो लीलामृत अवतार हैं, वे अत्यंत सुंदर हैं। सुपेशम शब्द के सकार का अर्थ लोप हो गया है। हे ऋषि, मैं उन सबों को क्रमशः सुनाता हूँ, उसे आप अपने कानों से सुने। अथवा पियताम पद को शत्रु प्रत्यांत भी माना जा सकता है। पिंग माने इस दैवादिक धातु से शत्रु प्रत्यय करके पियताम बना है, उसका अर्थ है उन कर्ण कसाओं को विनष्ट करने वाले लीलावतारों को पूर्ण रूप से सुने। तापर लीलावतारों का सिवे तारे तो सार बार कले ब्रह्मा मुझे सब कहूँ मुझे भल बुझी पार बुझी हूँ कहले जहा कथा मुझे सीए भी तांको विषय किसी बुझी पार ना सी भी केतरा केतरा कहते हैं सी भी जान पार ना बुझे बुझी पार नी मुझे कहूँ जा कथा कह सी तो बुझी पार नहीं मुझे बुझी पार नहीं कौन आश्चर्य कथा रहा तमें मैंने जो बुझीज तम मैंने बुझीज बा न बुझ कौन आश्चर्य अच्छे सार ऐसा कहले आम सब गुडाक प्रत्येक विराट पुरुष अंग प्रत्यंग जिते सब अच्छी वर्णना सब थ्रु गोटे गोटे रस सब बाहर बाहर भगवान जिहार सब रस सृष्टि ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ ମହାନ ମହାନ ଆମେ ଦେଖୁଥାଏ ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମ
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ ବା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ ମନବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିପାରୁଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରୁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବାହାରିଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଠିକ ନା? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲ, ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟଟାକୁ ଆଣିକି ଜୁହାରେ ଲଗଉଛେ ସେ ରସଟା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅଛି ନା ଜୁହାରେ ଅଛି? ରସଟା ଦ୍ରବ୍ୟରେ କେମିତି ରହିଲା? ଜୁହାରରେ ଜୁହାରେ ଜୁହାରୁ ଜଣେ ପଡୁଛୁ ନା ଆଉ ପିତାଟା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ପିତା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ପିତାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଜୁହାର ପିତାଟା ଅଛି ନା କଲର ପିତାଟା ଅଛି? ନାଇଁ ବଡ ମାନେ ଏକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ପୁରୁଷ କଥା ତେଣୁ ପଡିଥିଲା ସେ କଥା, ତାଙ୍କ ଜୁହାର ବି ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମ ଜୁହାର ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ରସଟା କଣ ବୋଲି। ପିଣ୍ଡାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନା ତତ୍ପ ତ ଗୋଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି ଯେ ରସଟା କଲରାରେ ଅଛି, ଆମ୍ବେରେ ଅଛି, ନା ବାଇଗଣରେ ଅଛି, ନା ତମ ଜୁହାରେ ଅଛି, କୋଉଠି ରସଟା ଅଛି? ରସଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଜିଭାରେ ଅଛି, ସେ କହିଲେ କଲରାରେ ଅଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ହଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ବ୍ରେନରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ତାର ମାନେ କଣ? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆସେ କିନ୍ତୁ କିଏ ବୋଧ କରୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଧ କରୁଛି ସେଇଟା ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ଭୁଲ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ବୋଲି କହିବେ ବାବା ଶେଷରେ। ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉଥିରୁ ବାହାରିଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଯାଇକି ସେଟା ଜଣାପଡୁଛି। ଭଗବାନ ଜିହା ରସ ବାହାରିଲା ସିଏ ହିଁ ମୂଳ ହେଇଗଲେ ନା, ଆଦି ଆଦି ହେଇଗଲେ, ସିଏ ଆଦି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠି ଜୁହାରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଏଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇ ରହିଲା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲା ସେଟା, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜୁହାର ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜୁହାର ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହେଟା କାଇଁ କାନରେ ତ ଜାଣି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ, ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଭାର ମାନେ ରସଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ବି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେପଟେ ତ ଅଲଗା, ସିଏ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ, ସେ ତ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ, ସେଟା ସେଟା ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ବୁଝାମଣାଟା କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ତର୍ଜମା କରିବା କଥା। ସେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବାହାରି ଗଲେ, ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସହିଲା ଆଉ ସହିଲା ତାମାନେ ତାକୁ ତାକୁ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ଯିବ ଆଉ ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଥିରୁ ସାଧକ ପାଇଁ ସେଟା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାଧକ ହେଇଯାଅ, ସମସ୍ତେ ସାଧନ କର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ହେଇଯା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକିଛି କୁହାଯାଉ ତୁମେ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଇଯା, କାହିଁକି ତୁମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରୁନ, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ବୁଝିହବନି।
ବୁଝିହଉଛି ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଯା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବାବା ସିଏ ତ ମତେ ଜାଣ ସମସ୍ତେ ହଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ମତେ ଜାଣିଲେ ମୋର ୟା ପ୍ରତି କଣ ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁକିଛି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ରସ କଣ ରଖିଛି ମତେ ମୁଁ ଜାଣି 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 ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଛି ମୁଁ ଅଜଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତମେ ସେମିତି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଏଭଳି ମତେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ବି ଜାଣି 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 ତୁମକୁ ବି ଅଜଣା ଧରିବ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ ସେହି ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେହି ରସ ସେହି ଆସ୍ପଦନ ସବୁକିଛି ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ବା ଧାରା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ତାର ସାରଟା ଆମେ ସବୁକିଛିରେ ପାଇପାରିବା ଏଠି ଜୁହା କଥାରେ ଉଠିଛି ଜୁହା ଅଙ୍ଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କର ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାହିଁ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନି ଯୋଉ ରସ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ କରୁଛେ କାହା ମଧ୍ୟରେ କରୁଛେ ନା ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟିକ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ଅଙ୍ଗର ନାଁ ସବୁ କହିଲେ ସେଇ ନାଁର ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ବି ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ସ୍ୱତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଜୀବାନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଅଛି କିଛି ଛାଡ଼ ନା ସେଠି ଯୋଉ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେଟା ବଡ଼ୁଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖାଲି ହେଇଛି ନହେଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ ବାହାରିଲା ଆମ ଏଇ ଶରୀର ବି ସବୁ ସେଇ ନାଁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର ସେଇ ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେଇ ରସକୁ ଆମେ ବି ଅନୁଭୂତି କରୁଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜୁହାରୁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଲା ଆମେ ଜୁହାରେ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ସେ ରସଟା ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ ରସଟା ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ ସେ ରସଟା ହିଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୁହାରେ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଆମ ଜୁହାରେ ହିଁ ସେଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୁଝିହଉଛି ନା ଏଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଅତମ ଭିତରେ କେବଳ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫରକ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାହିଁକି ହେଲା କୁହାଯିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦ୍ୱାରା ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହବ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଟା ଆଲୋକ ଦଉଛି ଆମ ଆଖି ଆଲୋକ ଦଉଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜଟା ଆମେ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ କାମ ଏଠି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେଇ କାମ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ବଡ ଏଟା ଛୋଟ ଏହିଦିନ ତେବେ ଏଠି ସାଧକ ପକ୍ଷେ ରହିଲା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋ ଜନ୍ମେ ହୃତ ତଣ୍ଠାବତା ଧୃତା ହରି କହିନାହାନ୍ତି ନ ଭାରତୀ ମେ ମୃଷା ନ ଭାରତୀ ମେ ଅଙ୍ଗ ମୃଷା ଉପଲକ୍ଷ ଦେ ନ ବୈ କଚିତ ମନୁଷ ମୃଷା ଗତି ନ ମେ ହୃଷିକାଣୀ ପତନ ସତ୍ପଥେ ଜନ୍ମେ ହୃତ କଣ୍ଠାବତା ଧୃତା ହରି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବନା କରି 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 ମୋର ହୃଦୟ ବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ବୃତ୍ତିରେ ଏଭଳି ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ମୟତା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାବେତ୍ତ ରୂପବେତ୍ତ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନି ଏତେ ବିତୀତତା ସବୁ ବାବା ଦେବେ ଏତେ ବିତୀତତା ରସାଳ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ରସାମୃତ ମୋତେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୋ ବାଣୀ ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନି ବା ଅସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନି ସେଭଳି ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନା ନାହିଁ
नभारती मेंग मृषोपलक्षते नवई क्वचिन में मनसो मृषागति नमे ऋषिकानि पतंत्य सतपथे जन्मे रुद्यो हृदोत्कंठ्य वता धृतो हरि। मो मन असत गति जाओ नहीं मोर इंद्रिय माने माने असत पथरे जाओ धावित हो नांदी कहीं एगुड़ी प्रत्येक इंद्रिय मोर वृत्ति कहीं ना भक्ति उद्रेक कारण एभली भगवान उत्कंठा पूर्वक हृदय में परमात्मा को धारण करता उत्कंठा कहीं परमात्मा तो से किसी आउ सब जिते सब द्रव्य गुण लीला जहाँ कि सब सब सी हिं तर दृष्टान स्थल हिसाब से जान थाए मटी पात्र लुहार अस्त्र आसनारे कुंडल अलंकार इत्यादि आ भर अच्छी सुना भेत तार तीन काल देखे सुना सीमती भगवान जो कल्प भेतर देख द्रव्य भेतर देख गुण भेतर देख जेको रस भेतर देख भगवान तो कि ना मुझे तन्मयता हो जाए जो कि मोर वाक्य असत भाषण करा मोर इंद्र मान असत गति की जाऊंट ना मोर मन असत चिंता भावना कर मार्मिक कथा कहु ना हाँ किसी ना तुम साधक पक्ष केमी अनुभूति कर सब तो अनंत अनंत महिला कहते अनंत मुझे पाऊनी भगवान भी पाऊना साधक पक्ष कौन पार ये साधक कौन ग्रहण कर साधक भाग सी तो पाऊना आम कौन पाया सूत्र आर सूत्र विराट पुरुष छोट क्षुद्रतम अंश ही तुम शरीर जोटा कि साधारण हिसाब से कही था तत्व बुझी ना कहते पिंड ब्रह्मांड एक मत ब्रह्मांड विराट स्वरूप जहा कि अच्छी तुम शरीर से लक्षण अच्छी भिन्न ना कि भिन्न ना तेणुकर साधक निज शरीर सब साधन कै साधन कुछ बाहर किसी नहीं साधन टा तुम शरीर अच्छी तुम मन भितर अच्छी तुम बुद्धि अच्छी तुम भितर त्याग बैराग सब तुम ठारे ही अच्छी अन्य किसी ना से अपने त्याग त्याग कहले आम बुझे आम घर द्वार स्त्री पुत्र सब त्याग देखिए छात्र कौन हेरा कि त्याग मुझे तोर तो त्याग कल कौन हेरा क्या तो त्याग तू ताकू मोर करदेलु ना से कौन ते तोर कर से घर द्वार तो ते मोर कर तू कर मोर ना तू आ त्याग कल कौन ना त्याग बोले कौन ना त्याग बोले ता त्याग बोले आसती आसुद्रा कौन कुआड़े खोजी कौटे दिल्ली अच्छी ना कौटे बम्बे अच्छी ना कौटे अन्न कौटे ब्रह्मांड खोज त्याग आस तुम पाखे अच्छी शरीर अच्छी दृष्टि की सजाड़ कर्म को सजाड़ जीवा को सजाड़ एरा सब साधन कहते ना ना साधन कहते शरीर भितर ही तुम साधन अच्छे शरीर को तुम जी सजाड़ी दब ते भगवत दर्शन कौन अनुभूति अन्य कड़े किसी ना तुम से युक्ताहार विहार से बोल सब कहुए कहीं अन्न कौट कह तो तुम खाइवा परिमाण कर तुम शोवा परिमाण कर तुम कहवा परिमाण कर तुम निद्रा परिमाण कर सब कह तुम विराट पुरुष से उपलक्ष्य कले तार सब क्षुद्र क्षुद्र विषय तुम शरीर सब अनुभव कर कहीं सब किसी अच्छी अन्य कौट ना कहीं भगवान भगवान तो विराट पुरुष अच्छे खोजा कथा कहीं कहते तुम अंतर अच्छी कहते ना कहते ना हम के आंगुल विशिष्ट दस अंग तुम हुआ आकाश पाजनी पर्यत पर स्थान हृदय आकाश भितर भगवान भगवान अच्छा कहीं कहते तेणु तुम ये शरीर टा ही विराट स्वरूप अंश जिंदी आम जीव जिंदी जीवा तुम कहते भगवान अंश शरीर टा ही शरीर कहले पंचभूत तन मात्रा कौटा ये भर ना
ଯୋଉଟାକି ଅଠେଇଶ ଚବିଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲିକି କପିଳ ପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ସୁବିଧା ସରିବା ସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ସାଧନ ଭଜନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯାହା କିଛି ସବୁ ତପସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ଜମ ନିୟମ ସବୁ କୋଉଠି କରିବ ନିଜ ଶରୀର ଏଇ ଦେହରେ କରିବ ନା ଏଇ ମନବୃତ୍ତିରେ କରିବ ନା କୁହାହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାରି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସାରି ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି କିଛି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଦେଲେ ସେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିବ ଆମର ଅଷ୍ଟକାଳ ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ଆସେ ନିତ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜରେ ଅନନ୍ତ ସଖୀ ଅନନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ନିତ୍ୟ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଗପୀଠରେ ଏସବୁ ଅଷ୍ଟକାଳ ଲୀଳା ଭିତରେ ସବୁ ଆସେ ଏଠି ଯୋଉ ଉପଚାର ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ କିଶୋରୀ କିଶୋରଙ୍କର ମାନେ ସେଟାକ ସବୁ ସେ କଣ ସବୁ ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଦବ୍ୟ ଆକାରରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ହେଠି ସବୁ କଣ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସବୁ ଅଛି ଯୋଗପୀଠରେ ବୁଝିଲେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହେବ ଲଳିତା ସଖୀ ବିଶାଖା ସଖୀ ଆମର ଯୋଉ ପାଠ ଅଷ୍ଟ ପାଠ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମନ୍ଦରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଠି ଦରକାର ହେବ ବରା କହ ନେଇଆସ ନେଇଆସ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ନେଇଆସ କହିଲେ ଭଣ୍ଡାରୁ ପଳଉଦେ ସେ ନେଇଆସ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଳେଇବେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଯାଇଥିବେ ନେଇଆସ ସେ ଗୋଟେ ଓଳି ଥବ ଯାହାଟା କହିଦେବେ ଏଇଟା ଓଳି ଥବ ଗଛରେ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ସେଟା ଆସିବା ଯେଥିରେ ଓଳିଥିବ ପାନ ପାଣି ହଉ ହାର ଲୀଳା ଲୁଗାପଟା କପଡା ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ସେଜ ଖଟ ପଲକ ସୁନାରୂପା ଯାହା ଦରକାର ଅଷ୍ଟପଦ ଯାହା କିଛି ସେ ଗଛରେ ସବୁ ଓଳିଥିବ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣି ହଳିଆ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିବେ ସେ ଗରମ ପାଣି କହ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କହ ଚାହା କହ ଯାହା କହ ସେମାନେ ସେଠି ଆଧାର କରିଦେବେ ମାନେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଜାତୀୟ ଲୀଳା କିଜାତୀୟ ସୃଷ୍ଟି କିଜାତୀୟ ପ୍ରେମ ତାଦ୍ୱାରା କି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ସେଠି ସାଧକ କେମିତି ଅନୁଭୂତି କରିବ ଯେମିତିକି ଶରୀର ସବୁକିଛି ଅଛି ବିରାଟ ଶରୀର ସବୁକିଛି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଥିରୁ ସବୁକିଛି ବାହାର କଲେ ଯାହା ଭାବନା ହେଇଗଲା ତାହା ହାତରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ଯାହା ଭାବନା ହେଇଗଲା ତା ପ୍ରକଟ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଭାବନା ରାଜା ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା କାହିଁକି ତଳେ ସାରାକୁ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବତମୟ ହେଇଯିବ ସେଠା ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନା ଯାହା ଭାବନା ତାହା ମନ୍ତ୍ର ତାହିଁ ପ୍ରକଟ ତାହିଁ ଭଗବତ ସେବା ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଭଗବତ ଦର୍ବ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବତ ଭାବନା ହିଁ ଭଗବତ ପୂଜା ଆରାଧନା ତେଣୁ ସେଠି ବିରାଟ ପୁରୁଷରେ ଯାହା ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତମେ ବିରାଟ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷର କାମ କଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେ କଣ କରିପାରେ ସାରି ନମୁନା ନକ୍ସା ତମକୁ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ନା ଶରୀରକୁ ଦେଇଛି ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିରାଟ ପୁରୁଷର ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଲେ କେଉଁ ବାହାରିଲା ନା ସେ ତାଙ୍କ ରସ ତାଙ୍କ ରସେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଖାଇଛି ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇଟା ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତ କୁହା ହେଲାନି ଏଥିରେ ବା ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଟୀକା ତ କାହିଁକି ତା ଅର୍ଥ କାହିଁକି କିଛି ବାହାରିଲାନି ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ନକ୍ସାଟା ଦିଆହେଇଛି ତୁମକୁ ତେଣୁ ସେଇଟାର କାମ ଯାହା ଏଇଟାର କାମ ଠିକ ସେଇଆ ତମେ ଭୋଗ ଭୋଗର ଲାଳସାରେ ଜୁହାର ଲଗଉଛ ତେଣୁକରି ତମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କଲରାର ହିଁ ପିତାଟା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ କଲରା ପିତା ନାହିଁ ପିତାଟା ଜୁହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ପରା
ରସଟା ଜିଭାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁ ଯେ ଜିଭା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ କଣ ଲଗେଇଲେ ସେ ଆଉ ମିଶ୍ରି କଣ ଖାଇଲେ ଗୁରୁମାରୀ ପତ୍ରା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କାହିଁକି ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅବସ୍ତ ବହିର୍ମୁଖୀ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଗୁଡା ଯେ ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମ ଧାରଣା ଅଛି। ବହିର୍ମୁଖୀ ଆମେ ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ, ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ହିସାବ ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଯୋଉଟାକି ସବୁଗୁଡାକ ବାହାରେ ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ। ଭଗବାନ ପରମାର୍ଥତ୍ଵ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଗୁରୁମୁଖ ସୁଧାରେ ସେ କଣ କହୁଛି, ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ, ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଖ ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଅଛି, ଶେଷ ଆସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଦେଲ, ବାହାରେ ଅଛ ନପୁଷ ପାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି ବାହାରେ, ତା ପାଇଁ ନପୁଷ ପୁରୁଷ ସେ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି, ସୁଖଟା କାହା ପାଖରେ, ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଆରୋପ କରୁଛ ତା ପାଖରେ, କରୁଛ ନା କରୁନ, ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ନା ଅନୁଭୂତି ନୁହଁ। ସେମିତି ତମ କାନ କାମ କରୁନି, କୋଉଠି ବାହାରେ ଶୁଣିବାଟା ଅଛି, ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସ ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାକୁ ବାହାରେ କରୁଛେ। କାହିଁକି ସେ ନମୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବାହାରିଛି, ତମକୁ ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି, ନକ୍ସା ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ସେଇଥିରେ ଖୋଜ, ସେଇଥିରେ ଦେଖ, ତମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛ, କାହିଁକି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା? ଆମେ ଏଥିରେ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଭରି କରି ଯେ, ତେଣୁ ହେଲା କଲରାରେ ପିତା ଅଛି, ମିଠେଇରେ ବି ମିଠା ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ବାହାରେ ସବୁ ଅଛି, ତ ବାହାରେ ଆଉ ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଆଉ ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ ନାରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଛି ନା ଗୋଟେ ଲୀଳା ଖେଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଭୋଗ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭୋଗ କଥା ଅଲଗା ଆଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା କଥା ଅଲଗା, ଆସ୍ୱାଦନ କଥା ଅଲଗା ଆଉ ଭୋଗିବା କଥା ଅଲଗା। ଆସ୍ୱାଦନ ଅନ୍ୟର ଏସବୁ ଲୀଳା ଦେଖି ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ। ଆଉ ଯିଏ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୋଲି ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ନଥିଲେ ଏଇଟା କହିପାରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୋଗ ଭୋଗୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୋଗ ଭୋଗୁଛି, ସେ ଆସକ୍ତି ହେଇଛି ଏଥିରେ, ଆସକ୍ତି ଆସକ୍ତିର ମାନେ ଆସକ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ବାହାରିବ, ଅହଙ୍କାର ସବୁ ବାହାରିବ ସବୁ ଆସକ୍ତିର। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପକରଣ କରିବା ସବୁ କାହିଁକି ରଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଚାଲିଛି ନା, ଉପକରଣ କରିବା ସବୁ କଣ ରଖା ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ତମେ କଣ ଅନୁଭୂତି ତମର ରହିଛି ଭଗବାନ ଉପରେ, ତମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ନା, ତମେ ସବୁ ତମ ସ୍ଥିତି କଣ, ତମେ କିଏ ସେ, ଏଟା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ତାର କିଏ ଆଧାର କିଏ ମୂଳ ସବୁ ପଚରା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ସାବ୍ୟତ ନଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଯାହା କିଛି ମତେ ମିଶେଇକି ତମକୁ ମିଶେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଏସବୁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଏଠି ନା ହେବେ, ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା କହୁଛୁ ନା, ୟାକୁ ଯେ ଭୋଗ କରିବା ୟାକୁ ଯେ ଇଏ କରିବା ସେମିତି କିଛି ତ କେହି କହିଥିଲେ କଥା ହେଲେ ନା, ଏଠି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ନିଅ, ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଭୋଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଭୋଗଟା ହଉଛି ମାୟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସରଳାର୍ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନ ମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ସର୍ବସର୍ଦ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆରେ କତୁରୀ ହେଇଛି, ବ୍ଲେଡ୍ ଟା ହେଇଛି, ଖୁର ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, କାହା ଗଳା କାଟିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଳା କାଟିବା ମାନେ ଏଟା କଣ ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ସ୍ୱରୂପ ଭାବ, ବ୍ଲେଡ୍ ହେଇଛି କଣ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ, ମହିଳାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ବ୍ଲେଡ୍ର କାମ ହେଇଗଲା ନା, ବ୍ଲେଡ୍ର କାମ ହେଇଛି ଗଳାରେ ଲଗେଇଦେବା ପାଇଁ
ବା ଯଦି ସେ ମସୁଣ କରିଦେଲା ସଫା କରିଦେଲା ମୋ ମୁହଁଟା ଯେମିତି ହେବି ଆଉ କାହାର ହେତୁ ସମତଳ ନଥିବେ ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ତା ଭାବଟା ରଖା ହେଇଛି ମହିଳାକୁ ସଫା କରାହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଉପକ୍ରମିକା ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକ ଟୀକାକୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିଶେଷ ଆଦର କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ନାଇଁ 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 ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ନା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ନା କହିଲେ ନା ତାହେଲେ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ କେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ମୋଡ ଶ୍ଳୋକଟା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଦେବା ନା ଏଇ ପୂର୍ବପକ୍ଷର ଯୋଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ବୃଦ୍ଧିରୁ ବୃଦ୍ଧିତର ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମିତି ଏ ପ୍ରଥମ ଉପକ୍ରମକାରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛି ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କରି ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯିବ କାହିଁକି ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ ଇଏ ନିଜକୁ ଏଠି ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପିଥିବା ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏତେ କଥା କରିକି ସିଏ ଅହଙ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଛାଡିବା ବାସ୍ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଣ ରସାସ୍ୱାଦନ କଣ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଗ ଉପଲବ୍ଧି ଲଗାଇବା ଭୋଗଟା ଉପଲବ୍ଧି କଣ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୁଲିକି ନଦୁଛି ଏଇଟା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କର୍ମ ହି ଈଶ୍ୱର ହି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲଗାଏ ଦୋଷ ଲଗାଏ କଣ ଶିରଧୁନି ପଛତାଇ ପଛତାଇ ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କ ତ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି ଏ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସବୁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଯଶ୍ୟାବତାର କର୍ମାଣି ଗାୟନ୍ତି ଯଶ୍ମଦାଦୟ ନୟଂ ବିଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱେନ ତସ୍ମୈ ଭଗବତେ ନମଃ ହମ ଲୋକ ଜିସ୍ ପରମାତ୍ମା କେ ଅବତାର କି ଲୀଳାଓଁ କା ହି ଗାୟନ କରତେ ହୈ ଉନକେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ କୁ ନହି ଜାନତେ ନହି ଜାନତେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ କୁ ଜାଣିପାରୁନି କେବଳ ଲୀଳା ଲୀଳାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ କଲେ ସୁଧୀର ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସଦନା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ତା କିଛି ଯେ ନାହିଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଖିଆ ରଖିକି ଆମକୁ ଆଜି ଚାପ୍ଟରଟା ଥିଲା ବାବା ପୁରୁଷାବତାରଙ୍କ ବିଷୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁରୁଷାବତାର ବନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ କରିବା ଆମେ ଲୀଳା ଅବତାର ଭଗବାନ ଲୀଳା ଅବତାର ବିଷୟରେ କାଲି ହେବ ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖିବ ସାଧବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଗବତ ବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଧର୍ମରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଏ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବତ ବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ରହିବା କଥା ନିଜର ସାଧନ ଯେ ଭୋଗ ଶୂନ୍ୟତା ରହିବା ଭୋଗବୃତ୍ତି ନ ରଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ସାଧନ ସୋପାନ ଯେ ଭୋଗବୃତ୍ତି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ନ ରହିବା କାହିଁକି ଭୋଗବୃତ୍ତି କଥା କୌଣସି ସାଧକ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ଧରି କାମ ତାର ବୋଲି କାମ ପ୍ରେମ ନା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସମାଜ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଏସବୁ ଭାବ ଯେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଭାବ ଧର୍ମର ହିଁ ମହିମା ବା ସାଧକର ସାଧନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि मेरो राधा मेरो राधा जय जय श्री राधे श्याम।